14 वर्षीय बाल व्यास पार्थवीर शुक्ला की कथा सुनने उमड़ी भीड़। नन्हे कथावाचक की कथा सुन मग्ध मुग्ध हो गए श्रद्धालु। खबरों के प्रायोजक है रघुलीला पैलेस, पता पुरुषोत्तमपुर जनकपुर रोड पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना स्थित श्री जुगलकिशोर मंदिर में एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जहां संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हो रहा है। इस कथा का आयोजन भगवान श्री जुगलकिशोर मंदिर में हो रहा है, जो कि पन्ना की एक प्रमुख धार्मिक स्थली है। धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए वृंदावन धाम से श्री श्री 1008 श्री राधे श्याम महाराज पहुँचे हैं, जो कथा प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इस अनुष्ठान का मुख्य आकर्षण 14 वर्षीय बाल व्यास पार्थवीर शुक्ला है, जिन्होंने अपनी अल्प आयु में ही धार्मिक ज्ञान और वाचन शैली से सभी को चमत्कृत कर दिया है। पार्थवीर शुक्ला जो केवल 14 वर्ष के हैं, इन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति से उपस्थित जन समूह का ध्यान आकर्षित किया है, और उन्होंने अपने प्रवचनों में भागवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों के महत्वपूर्ण अंशों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी वाणी में इतना आकर्षण और स्पष्टता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के शुभारंभ पर बाल व्यास पार्थ वीर शुक्ला ने कहा, धर्म और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और जीवन के सत्य को समझने में सहायता करता है। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो हमारे जीवन को दिशा देती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।